Dear students, today we will discuss about the numericals of photoelectric effect. So firstly, हम आपको photoelectric effect के numericals को बतलाने से पहले उनके जो है formula explain करेंगे. देखो बच्चों, numerical photo second paper चाहे जो हो, numerical mostly एक दो important बनते ही हैं हर second paper के हर lesson का. लेकिन बेटा एक ही टाइप की बुक में जो है पाँच पाँच छः छः सवाल दे देता है, पंद्रह पंद्रह सोलह सोलह सवालें हो जाती हैं. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मुश्किल से पांच सवाल है, चार तरह की पांच सवाल है. लेकिन बेटा अंक बदल बदल करके कम से कम बीस बाईस कर देगा, ठीक है. तो हम ये चाहेंगे कि एक तरह की मुश्किल से दो लगवा देंगे, बाकी आपको होमवर्क दे देंगे, आप लगा के आइएगा, जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा. एनी डाउट बेटा? आपने खुद ही देखा है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा पढ़ा दिए, लेकिन बेटा इसमें फार्मूले कहीं कोई नहीं मिले थे. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये जो हमारा चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के. चमक रहा था बहुत, दिख रहा है. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करने चल रहे हैं. तो पहले इसके फार्मूले देख लो. तो सबसे पहला फार्मूला याद करो बेटा, फोटॉन एनर्जी. सभी लोग देख ले, फोटॉन एनर्जी इक्वल एच न्यू इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा. यहां इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज करेंगे बेटा. फोटॉन एनर्जी ई इक्वल एच न्यू इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा. और बच्चों दूसरा है, आप जानते रहिए, आइंस्टीन का इक्वेशन. क्या है आइंस्टीन का इक्वेशन? है तो फोटॉन एनर्जी ई बराबर वर्क फंक्शन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होता है. लेकिन बच्चों हम लोगों ने इसको लिखा एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल ई के, या इसी को ई बी नॉट, या इसी को हाफ एम बी स्क्वायर. जानकारी के लिए जानते रहो, वर्क फंक्शन एनर्जी डब्ल्यू इक्वल एच न्यू नॉट. थोड़ा सा सबको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. आप देख रहे हो कि केवल यही एक नया फार्मूला मिला, बाकी ये सब तो पुराने फार्मूले हैं. इस चैप्टर में इसी एक फार्मूले से न्यूमेरिकल लगने हैं, थोड़ा टेक्निकल भी मिलेंगे आपको. सुनिएगा जरा आसिफ सिराजुद्दौला, यहाँ ध्यान से. फोटॉन एनर्जी ई इक्वल एच इंटू न्यू, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस लाइट, सी इक्वल वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इक्वल वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस लाइट. ठीक है बेटा. और वैल्यू ऑफ एच हमेशा पता रहे 6.6 इनटू 10 की पावर माइनस 34 हम राइट करेंगे. यहां पर बेटा ई का मतलब है फोटॉन एनर्जी, डब्ल्यू का मतलब है वर्क फंक्शन एनर्जी, ई के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी. लुक हियर, न्यू नॉट का मतलब है कोहेरेंट वेवलेंथ, या जो है आप जान रहे हो दिल्ली फ्रीक्वेंसी. ठीक है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये? दिल्ली फ्रीक्वेंसी. ओके बेटा, वी नॉट कट ऑफ पोटेंशियल है. वी नॉट क्या है बेटा? कट ऑफ पोटेंशियल. तो बस यही चीजें हैं न्यूमेरिकल हमारे सामने. और आप जान रहे हो कि न्यूमेरिकल एक ही तरह के मुश्किल से दो या तीन लगवाएंगे बस, ठीक है. प्रयास करो, अगर आज आप तीन से पांच पढ़े होते तो खत्म हो गया होता. कह रहे थे कल, लेकिन सब बदतमीज हो. चलिए, लेकिन न्यूमेरिकल इस सब लेसनों के आते जरूर है, एक नंबर दो नंबर में, ज्यादा लॉन्ग नहीं आते. चलिए, क्वेश्चन अब भेज दिए हुए हैं और कुल क्वेश्चन अब भेजा हुआ है 29. मुश्किल से 10-11 लगवाएंगे, आप समझते रहिए. जो नहीं आएगा भी पूछ लीजिएगा. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम. तो बेटा क्वेश्चन अब जानिए बेटा क्या पढ़े, कि किसी जो है फोटॉन की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है. अब इस तरह से कम चार क्वेश्चन है, अब एक भी नहीं लगवाएंगे. सुन लो बेटा क्या बोल रहे हैं.
कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, किसी फोटॉन की एनर्जी बताओ जिसकी वेवलेंथ दी हुई है। अपने आप पहला फार्मूला यूज हो जाएगा एक्स अपान लैम्डा, ठीक है ना बेटा। तो E इक्वल H 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, C 3 इंटू 10 की पावर 8, और बच्चों लैम्डा का मतलब है 4000 इंटू 10 की पावर माइनस 10। कोई डाउट बेटा? अब यहां पर देखो जरा, ये इससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 6 18 190 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर कैलकुलेट कर लो, 1 2 3, तो 8 से 3 माइनस हुआ 5 और 10 15, 34 से 15 माइनस हुआ माइनस 19 जूल। कोई डाउट बेटा? 4 से डिवाइड कर देना, 4 4 को 16, 3 38 4 9 36 4 5 20, ये आंसर आ गया। अब इसको 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ये कन्वर्ट हो सकती है, ओके। और तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनिएगा, और अगर आपको लगे कि हाँ बताना हो तो बोल दीजिएगा, सर बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, सभी लोग सुनिए। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी बताना है बेटा। 2006 में क्वेश्चन आया है, तो देखो इधर हल्का साइड दे रहे हैं, वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है और हमसे फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी बराबर सी अपान लैम्डा होता है, दोनों कंपेयर करो, एच कट गया, न्यू बराबर सी अपान लैम्डा, ओके। तो अब क्या आप राइट कर लोगे बेटा, लगा लोगे? कोई डाउट? तो 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और सप्तम गधे 6 5 36, तो ये 5 इंटू सेबल है और यहां से सेबल 14, और इसकी यूनिट हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती बेटा, यदि डाउट कुलकुलेशन किए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान सुनेंगे। एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटॉन इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सरे फोटॉन की एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, व्हाट इज इट्स वेवलेंथ, पहले क्वेश्चन का अपोजिट है, वेवलेंथ बतानी है। तो यहां पर देखो बेटा, E इक्वल दिया है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यू हैव टू फाइंड आउट लैम्डा, समझ में आया बेटा? अब याद करो E का फार्मूला क्या होता है बेटा, HC अपॉन लैम्डा, तो हमें लैम्डा चाहिए, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, HC अपॉन E, दिस वन इज दैट ओके बेटा? यस सर। E का वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, C का वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8, और बेटा E का वैल्यू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है बेटा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि हम करें बच्चों, कैलकुलेशन हो जाएगा 123.75 एंगस्ट्रॉम। कहो बताए, समझ रहे कैलकुलेशन? क्वेश्चन नंबर 4 प्रज्ञान बेटा जल्दी कर दे रहे हैं थोड़ा सा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन सुनो इमरान सुनो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा वन इज दिस, whose total energy is equal to energy of photon of wavelength is this, in which part of the spectrum lambda 1 lambda 2 lies, कुछ समझ में आया बेटा? एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन, कितने फोटॉन बनेंगे यही बताना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ, इतना वेवलेंथ दिया हुआ है, whose total energy is equal to the energy of photon of wavelength, energy जो है दी हुई है किसी photon की, is equal to the energy of photon of wavelength lambda 2, ऐसे कितने photon बनेंगे। देखो जरा बेटा, अगर आप अभी कहे कि हमारे पास 10 energy वाला photon है और 100 energy का wavelength वाला photon गिरता है, कितना एनर्जी की रही है जो है इंसिडेंस हो रही है, 100, और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है 10, तो कुल कितने फोटॉन मिलेंगे आपको, 10 10 100 डिवाइड कर देंगे, तो मतलब टोटल एनर्जी से एक जो है फोटॉन की एनर्जी को डिवाइड किए तो पता लग गया कितने फोटॉन बन सकते हैं, यही ना बेटा? तो वैसे इसमें भी कह रहा है कि कितने फोटॉन बनेंगे, तो टोटल एनर्जी को एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना बेटा? नंबर ऑफ फोटॉन समझ में आया कि नहीं?
जैसे अगर कहे कि एक सतह पर 200 जूल एनर्जी इंसिडेंट होती है, इसमें कितने फोटॉन मिलेंगे, जबकि एक फोटॉन की एनर्जी 10 जूल है, तो 10 जूल के कितने फोटॉन बन सकते हैं, डिवाइड कर दो 20 फोटॉन बनेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ फोटॉन, प्रज्ञान का समझ में आ रहा है, पूछ लो। टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंस लाइट, इसका मतलब बेटा जानवी, जो लाइट इंसिडेंस हो रही है उसकी टोटल एनर्जी, ठीक। और बेटा एनर्जी आप एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड करते हैं। अब बेटा यहां दिमाग दिया है, दोनों जगह एनर्जी निकालने के लिए वेवलेंथ दिया है, तो फोटॉन की एनर्जी या टोटल एनर्जी का वेवलेंथ के रूप में फार्मूला या सीएफ होता है, तो यही लगाएंगे बेटा। चलो देखते हैं, तो टोटल एनर्जी क्वेश्चन कह रहा है कि हुज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 2 × 10^-12 सेमी, ठीक है। तो एनर्जी के लिए एच सी अपॉन लैम्डा, तो 2 × 10^-12 सेमी, इतना वेवलेंथ का फोटॉन है जो टोटल एनर्जी बनती है, ठीक है। तो एनर्जी के लिए हम 80 अपॉन लैम्डा ही लगा रहे हैं, क्योंकि लैम्डा दिया हुआ है, समझ में आया बेटा। और एक फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर, बड़ा फोटॉन ऑफ वेवलेंथ, एक फोटॉन की जो एक फोटॉन की एनर्जी है उसका वेवलेंथ 5 × 10^-5 है, एच सी 5 × 10^-5 सी एफ, कोई दिक्कत नहीं है, इसे सॉल्व कर ले, असर आ जाएगा ना, कुछ समझ में आया कि नहीं। ये एक फोटॉन के लिए वेवलेंथ है और ये टोटल एनर्जी का वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ के टर्म में एनर्जी फार्मूला 80 अपॉन लैम्डा होता है, टोटल एनर्जी को एक फोटॉन की एनर्जी डिवाइड कर दे, कई फोटॉन बन सकते हैं मालूम हो जाएगा, मारे पूरी एनर्जी का थैली भी आएगी, ठीक है। ये एक्सी एक्सी कट गया बेटा, नीचे का ऊपर 5 × 10^-5 2 × 10^-12 2 से इसको डिवाइड कर दो 2.5 और ये 12 से 7 बाहर गया, इतने फोटॉन इंसिडेंट हो गए, ठीक है ना बेटा। तो समझ में आ गया, डबल ऑफ फोटॉन पता लग गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन, एकदम ऐसे ही है, ठीक है ना, सुन लो एक बार, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ 25 वाट एंड वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन एमिटेड पर सेकेंड फॉर अ सोर्स ऑफ 25 वाट एट वेवलेंथ दिस, तो जो सोर्स है उसका पावर दिया है और टाइम 1 सेकेंड दिया, तो उसकी एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी को P × T, ठीक है। और वेवलेंथ दिया जिससे एक फोटॉन की एनर्जी पता लग जाएगी, यही वाला फॉर्मूला लगा दे, समझ रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने फोटॉन पर सेकेंड निकलेंगे किसी सोर्स से जिसकी सामर्थ्य जिसकी पावर 25 वाट है, तो जब ये पावर दिया है टाइम वन सेकेंड दिया था, एनर्जी निकाले फार्मूला जानते हैं E = P × T, पीछे पढ़े हुए इलेक्ट्रिक वाले में, इलेक्ट्रिक कंडक्शन में एनर्जी इक्वल पावर इंटू टाइम पढ़े हो ना, तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी और वेवलेंथ दिया है एक फोटॉन की, तो ये नीचे वाला भी हो जाएगा, दोनों डिवाइड कर देंगे टोटल फोटॉन नहीं आ जाएंगे, ऐसे लगेगा बेटा टोटल नंबर ऑफ फोटॉन। जानू बेटा समझ रहे हो, टोटल एनर्जी, रश्मि खूब खाई पूरी कर, इसको रिपोर्ट पर नहीं देती, टोटल एनर्जी अपार एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, ना हमको देगा इसको पापा से क्या मतलब, तुमको देना चाहिए तुम्हारे साथ थे हम, पापा दिए तुमको तो अपना फर्ज निभाना था। तो फोटॉन एनर्जी, एनर्जी P × T, खाई अकेले 25W, देखो बेटा 25 वाट पावर इंटू टाइम, 25 P टाइम 1 सेकेंड पर सेकेंड, यहां बेटा वेवलेंथ दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या होता है, समझ में आया,
हम लोगों को फिर से निमंत्रण दो, तुम फिर से घर पे बनाओ, हम लोगों को निमंत्रण दो, क्यों नहीं देखा? समझ आया इतना? ठीक है बेटा, कंक्लूजन करें कि आप लोग उम्मीद कर रहे हैं हमसे, कर लेंगे। विनय के मिश्रा, व्हाट इज द आंसर? 7.75, 10^19। ओके बेटा, समझ आया? कुछ नंबर से पढ़ रहे हैं, लगातार सीरियल से चल रहे हैं। इंटेंसिटी, व्हाट इंटेंसिटी ऑफ अ लेजर बीम इज 5 mW। इंटेंसिटी दिया हुआ है किसी लेजर बीम की, 5 mW है। एंड वेवलेंथ इज 6535 mega star। इंटेंसिटी और वेवलेंथ दोनों दिया हुआ है। इंटेंसिटी का मतलब आप समझ रहे हो कि एक सेकंड में इतने फोटॉन आते हैं। इंटेंसिटी मतलब है हुआ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन पासिंग पर सेकंड थ्रू अ पॉइंट इन द पाथ ऑफ बीम। वही क्वेश्चन हो गया, नहीं समझे बेटा? फिर से समझ लो, पी दिया हुआ है 5 mW। क्या दिया बेटा? 5 × 10⁻³ W टाइम 1 सेकेंड। वेवलेंथ 6535 mega star। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, तो यही वाला क्वेश्चन लगेगा। ऐसे फार्मूला उर्मूला नहीं लिखा है, दिया रिपोर्ट टोटल नंबर ऑफ फोटॉन, दिया ना आप टोटल नंबर ऑफ फोटॉन क्या होता है? 5 × 10⁻³ × 1 अपार 6.6 × 10⁻³ × 34 × 3 × 10⁸ अपार लिमिटा 6535 × 10⁻¹। कैलकुलेशन करोगे 70 के औजिया कहाँ देखो, कल हो गया बेटा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। प्रज्ञान सिंह उम्मीद करें सॉल्व कर लोगे। आ बेटा, अब एक चीज देखो बेटा, प्रज्ञान 4, 5 और 6 तीनों एक जैसे एक नहीं बेटा, तो एक ही टाइम के तीन तीन क्वेश्चन दे दिया, कोई मतलब है? अभी 2-3 और है ऐसे ही, देखो पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेकिन लगवाना पड़ेगा, चलो नंबर 7 थोड़ा सा टेक्निकल है, इस तरह से कम 3 क्वेश्चन है। 5% एनर्जी ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ध्यान से सुनिएगा, 5% एनर्जी ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 5600 mega star। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं, 5% एनर्जी ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ इतना इज कन्वर्टेड इनटू लाइट। कोई सोर्स है जिसकी वेवलेंथ इतना है, उसकी 5% एनर्जी को लाइट में बदला गया। ठीक है बेटा, 5% एनर्जी ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 5600 mega star इज कन्वर्टेड इनटू लाइट। इफ पावर ऑफ सोर्स इज 100 W, सोर्स की पावर कितना है 100 W। हाउ मेनी लाइट फोटॉन विल बी एमिटेड पर सेकेंड, तो कितना जो है इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हम फिर से समझा रहे, समझो। कोई एक सोर्स है, क्या है बेटा? और उसकी पावर दिया है 100 W, सपोज करो 100 W है, तो उससे कितने फोटॉन पर सेकेंड निकलेंगे यही पूछ रहा है। A source having power 100 W emitting electron photon per second, photo electron per second photon निकल रहे हैं। ठीक है, कितना photon निकलेगा उसके लिए condition दे दिया है कि जो source है उसकी energy का 5% हिस्सा ही light photon में convert होता है।
समझ में आई बात? तो जैसे टोटल नंबर आप फोटॉन निकालते हो तो क्या फार्मूला लगाते हो, टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी अपॉन फोटॉन, यही तो लिखते हो। तो एनर्जी अपॉन फोटॉन में कोई करेक्शन नहीं, वहां वेवलेंथ दिया है, कह रहा है कितने वेवलेंथ द्वारा फोटॉन निकालना है। तो एनर्जी आप फोटॉन में एस सी अपॉन लैम्डा लैम्डा वैल्यू रख दोगे, लेकिन जो एनर्जी है टोटल एनर्जी, इसको क्या करोगे, जो सोर्स की एनर्जी है उसका केवल 5% लिखोगे, क्योंकि पूरी एनर्जी में फोटॉन नहीं मिल रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी सोर्स की एनर्जी का 5% ही फोटॉन में बदलता हो तो कितने फोटॉन मिलेंगे। तो जो सोर्स की एनर्जी है उसका 5% ही बदल रही है फोटॉन एनर्जी में, तो सोर्स की एनर्जी का 5% अपॉन एक फोटॉन की एनर्जी इक्वल टोटल नंबर ऑफ फोटॉन, ये तो हुआ बेटा। अब क्वेश्चन समझ में आया, एक बार क्वेश्चन फिर समझाए बेटा। 5% एनर्जी ऑफ अ सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, तो मतलब जो सोर्स है उसकी फाइनल एनर्जी नहीं बदल रही है फोटॉन में, केवल कितना परसेंट बदल रही है। तो यहां जो पूरा एनर्जी लिखे उसको क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी का 5%, और नीचे एक फोटॉन की एनर्जी लिखोगे उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फोटॉन आ जाएंगे। समझ गया बेटे, कुछ समझ आया? तो देखो नंबर ऑफ फोटॉन हमेशा कितने फोटॉन हमको मिल रहे हैं, वैसे तो हम हमेशा क्या लिखते थे टोटल एनर्जी, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे उसका 5%, क्योंकि फाइनल एनर्जी पूरी पूरी एनर्जी से फोटॉन नहीं बन रहा है, कितने एनर्जी से फोटॉन बन रहा है, एनर्जी ऑफ बाकी कोई चेंजिंग नहीं है 1 फोटॉन। समझ आ गया बेटे? तो देखो सोर्स की एनर्जी निकाले के बाद बोला पी इंटू टी पावर इंटू टाइम, तो उसकी पावर दिया है बेटा कितना दिया है पावर, अभी हम पढ़े थे 100 बार टाइम और सेकेंड, 5% अभी पिक्चर वाले ध्यान दो, एच सी ये होता है वासी अपॉन लैम्डा फोटॉन की वेवलेंथ, फोटॉन की वेवलेंथ दिया हुआ बेटा 5600 के साथ, कितना दिया है 100 से 100 कैंसिल था, क्या दिक्कत है, ये पूरा ऊपर गया है। एनी डाउट बेटा, समझ आया? यहां पर देखो कैलकुलेशन, 10 हटा दे 5 × 56000 अपॉन 66 × 3 10^60 कोई डाउट, 10 क्या हो गया। अब आगे कैलकुलेशन करें बच्चों, ये कटेगा 56 5 × 30 = 25 × 28 3 × 18 = 19 10^19 कोई डाउट बेटा। अब ये एक बार जाएगा 280 से 98 = 82 ठीक है, 0 बढ़ाए 4 × 76 × 10^19 फोटॉन आंसर आ गया, कोई डाउट बेटा। आगे पढ़े बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा इस तरह समझना है, इसी टाइप के क्वेश्चन कम से कम 5-7 है। एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ, एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम सन इज 1.4 × 10³ जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इफ एवरेज वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज 5500 स्टार हाउ मेनी फोटॉन आर कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना प्यारा प्रश्न है, नहीं समझ में आया? जो सन की एनर्जी अर्थ पर गिर रही है, अर्थ उसको ऑब्जर्व कर रही, उसका अमाउंट दे दिया कितनी एनर्जी जो है अर्थ पर गिर रही है, टोटल एनर्जी हुई। कह रहा है कि इस एनर्जी से इतने एनर्जी वाले कितने फोटॉन ऑब्जर्व हो रहे हैं या इमिट हो रहे हैं, तो एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर दे। समझ आया बेटा, क्लियर समझ आ गया ना?
तो सब एक ही तरह क्वेश्चन बताए कि नहीं? टोटल एनर्जी देखो दिया है, एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम सन 1.4, यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है जन्म बेटा, यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा छोटा सा 1.4 × 10³ जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, कितना दिया है टोटल एनर्जी जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। एवरेज वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज 5500 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ दिया है। जानू बेटा दिमाग क्या लगाना है, सुन लो, हाउ मेनी फोटॉन्स आर कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ, सन से अर्थ तक कितने फोटॉन आ रहे हैं इतने वेवलेंथ वाले, ठीक, ये भी समझ में आ गया। कह रहा पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिक्कत दे दिया, अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, पर सेकेंड पर सेंटीमीटर, ये क्या है पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन आपको बता रहा क्या है, तो अब इसको सेंटीमीटर बदल दे पहले तब आगे बढ़े, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां 1.4 × 10³ इंटू नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 1 m² = 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा 10⁴ जूल पर सेमी स्क्वायर पर सेकेंड, समझ में आ गया बेटा। तो अब टोटल नंबर ऑफ फोटॉन, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन, अब तो वही पुराना लगेगा अपना कि सन से अर्थ पर क्या फोटॉन एनर्जी आए, तो टोटल एनर्जी अब रिसीव बाय अर्थ फॉर अब सन, टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी अपॉन फोटॉन, एक फोटॉन की एनर्जी, तो पता लग जाएगा क्या फोटॉन की एनर्जी, तो एनर्जी पता लग गई है ना बेटा कितना ही है, 3 से 4 माइनस हो गया, यहां एच सी लिमटा क्या डाउट है, ये ना सब तो इधर आ गया, क्या डाउट है, देखो ये दशमलव दोनों जीरो गायब हो गया, ये दशमलव से यहाँ जीरो आ गया, 1.40 × 55 / 66 × 3 × 10⁶ नहीं समझे क्या किए, दोनों जीरो डेसिमल में गायब कर दिए, दशमलव हटाए ऊपर जीरो बढ़ा दिए, पहाड़ आता है 1166 × 11 = 55 × 14 = 70 × 700 350 / 9 सत्ता को भाग दे ले। हाँ अगला देखो बेटा, 70 × 9 बताने जा रहे हैं ना, चलो सुनो, वर्क फंक्शन ऑफ अ सरफेस इज 2.5 eV, ओके बेटा वर्क फंक्शन एनर्जी दिया है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर इट, तो क्या बताए इसमें, वर्क फंक्शन एनर्जी दिया है 2.5 eV, ए फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिलाई फ्रीक्वेंसी और दिलाई वेवलेंथ दोनों बता रहा है, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है बेटा, एच डी होता है, यही तो होता है, हाँ आसिफ कर दे W upon H, threshold frequency, W जगह बेटा 2.5 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना,
जूल बता चुकी है। याद से कुलकुलेशन करें। अच्छा 33 8 25 अट्ठे 200 20 बटा 33 गुणे 10 की घात 15 200 बटा 33 हो जाए तो भाग दे ब्याज जाए 6.06। हार एक आंसर आ गया बेटा। अभी क्या बताना है? वेवलेंथ। वेवलेंथ डी बराबर सी के पाल लेता ऐसे तो यहां के सी न्यू भाग दे दो 300 बटे 606 10 घात माइनस 6 भाग दे लेना 4950 का आ जाएगा। कोई दिक्कत सिराजुद्दौला?